इस्लाम की क्या बात है, फूलों की बरसात है। हबीब इस्लामिक सेंटर दीन की ये इशात है। जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله। صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم। يا إلهي تمنا है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, अगर तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। और या इलाही तू रहीम है, तू करीम है, तेरी जात सबसे अजीम है। तू करम अपना कमा हमको यकीन है। हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बाबरकत जात वास्ते खास है। अनगिनत ला तादाद बेहदो हिसाब दरूदो सलाम दियां बारशा होन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हबीब खुदा महबूब किबरिया सारी कायनात दे सरदार मेरे और तुहाडे दिलां दी बहार पीरे तरीकत रहबर शरीयत आला हजरत सैयदिना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी जाते ग्रामी थे। हजरात मोहतरम पिछले खुतबा जुमातुल मुबारक दे दौरान अज दे खुतबाए जुमातुल मुबारक दा मौजू तुसी अहबाब समात फरमा चुके हो। कि कोई भी इंसान या कोई भी तुहाडे नाल जिंदगी दे किसी भी मोड़ ते छोटी तो लैके बड़ी तक जर्रे तो लैके पहाड़ तक कोई भी इंसान या कोई भी अल्लाह की मखलूक तुहाडे नाल नेकी कर देवे ते ओदी नेकी नू याद भी रख्या करो ते ओदी नेकी दा जिंदगी दे किसे ना किसे मोड़ ते ओदा बदला भी चुकाया करो। एहसान फरामोश नहीं बनना चाहिदा। दुनिया की जिंदगी ऐसी जिंदगी है कि इस जिंदगी के दौरान किसी ना किसी मोड़ पर जरूर इंसान को किसी ना किसी सहारे की जरूरत पैंदी है। तो जड़ा इंसान मुश्किल वक्त के औखे वेले कम आ जाए अल्लाह जुल जलाल की कसमें ओदा ओ कम आना अल्लाह ताला नू बड़ा पसंद है।
और ओदे महबूब नबी नू भी बड़ा पसंद है। काश के सानू मुसलमानों नू इस बात की समझ आ जाए। बदकिस्मती नाल साडे मुआशरे दे अंदर एक गल उरूज पकड़ती जा रही है भी अज कल ना किसी नाल नेकी दी वाह नहीं रह गई। भी क्यों? अगों सिला ही नहीं मिलता। बाहर कैफ सिला ते अल्लाह को लेना है, अजर अल्लाह को लेना है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, जिहड़ा बंदा नेकी कर देवे ओदी नेकी नू याद रखना और ओदा बदला चुकाना, ये अल्लाह की भी सुन्नत है और अल्लाह के प्यारे महबूब की भी सुन्नत है। इंशाअल्लाह मैं खुतबा जुमातुल मुबारका के दौरान कुरान व हदीस के बेशुमार दलायल लैके तुहाडे इस खिदमत च हाजिर होया। और यार कुरान व हदीस का मुताला किया, पता चलिया कि जिहड़ा बंदा तुहानू दो घुट पानी पिला देवे ना, दो घुट पानी, अल्लाह की कसम ओदी भी इस नेकी नू सारी जिंदगी याद रखना चाहिए। दो घुट पानी ते यार जिस मां ने तेनू जन्म दिता है, जिस बाप ने तेरे वास्ते सर्दी गर्मी मेहनत करके कमाई करके तेनू खिलाया पिलाया है, जिस उस्ताद ने तेनू जमीन की पस्ती तो उठा के आसमान दी बुलंदियां तक पहुँचाया है, जेड़े तेरे अजीजो अकारब दोस्त अहबाब मुश्किल वक्त अंदर तेरे काम आए, अज क्यों नहीं मेरा मुआशरा उन्हां दी कदर करदा। दुआ करो अल्लाह ताला मैनू गुनहगार नू भी और तुहानू दोस्तो अहबाब नू भी अपने मुहसिनीन दा ख्याल रखने दी और उन्हां दे नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आने दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ये बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल है। कितना बड़ा अमल है? इस अमल नू अल्लाह ने अपना कुरान बना के नबी पाक दे सीने ते नाजल फरमाया। अल्लाहु अकबर। सुनिए अल्लाह दा कुरान। मेरी दुआ है जो मैं बयान करा अल्लाह ताला सानू सारयां नू समझने दी अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसा दे पीरो मुर्शिद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर दे सीने पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान 27वां पारा सूरत अर्रहमान, सूरत दी एक आयत करीमा मैं तुसा बाप दे सामने पढ़िए। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने कायनात दे लोगो, फरमाया हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। अकबर। अल्लाह लगता है तुहानू सर्दी कोई ज्यादा ही महसूस हो रही है। कुरान सुन के लहलहा जाया करो यार, मुहब्बत नाल ते तरन्नम नाल सुभान अल्लाह पढ़िया करो, अल्लाह दा जिक्र है और एदे फायदे ही फायदे ने। नबी पाक ने फरमाया ऐ दुनिया ते मस्जिदां अल्लाह दे घर जन्नत दे बाग ने, और इन्हां बागां च आके कुछ खाया पिया करो। सियाबा पुछदे ने हुजूर इन्हां जन्नतां दे बागां विच खाना पीना की है? आका फरमांदे ने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ए सारे इस जन्नत दे बाग दे फल ने। और नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा एक बारी सुभान अल्लाह कहंदा है, अल्लाह जन्नत विच एक दरख्त लगा देंदे ने। ते यार हबीबा बादियो मैं ते कदी कदी गौर करता होना, और जिस बंदे दा जन्नत विच एक दरख्त लग गया उस बंदे दे जन्नती होने विच शक ही कोई नहीं।
अल्लाह अकबर अल्लाह, और मुफत दरख्त ने मुफत दिया नेकियां। अल्लाह अकबर अल्लाह फरमाया, हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान। फरमाया कायनात दियो लोगो, नेकी दा बदला नेकी नल दिया करो ना, नेकी दा बदला नेकी नल दिया करो। एहसान फरामोश ना बनया करो, ना शुक्री ना करया करो, ना कदरी ना करया करो। और जिस खालक ने तुहानू पैदा कीता है, उस खालक दी ये सिफत है। अल्लाह अकबर कुरान दे कोर मुकाम ते सुनिए, अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लाहा शाकिरुन अलीम। अल्लाहु अकबर ला, कोई गल नहीं, तुसी अपनी तवज्जो मेरे लिए रखो यार। फरमाया कायनात दियो लोगो, बेशक अल्लाह ताला इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह ताला शाकिरुन अलीम। अल्लाह ताला कदरदान ने अपने बंदियां दे, अल्लाह ताला अपने बंदियां दी नेकियां नु जाया नहीं कर दे। ओए हबीब बाबा दियो, मैं तुहानु पुछना चाहना, अल्लाह इतनी अजीम जात हो के जे अल्लाह अपने बंदे दी नेकी जाया नहीं करदा, ते बंदिया तू बंदे दी नेकी क्यों जाया करना है। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरात मोहतरम, आइए ना नबी पाक दा फरमान सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमाते ने, मल्लम यशकुर नासा लम यशकुर अल्लाह। जगह दे पीर ने फरमाया, रब दे हबीब ने फरमाया, आका फरमाते ने, कायनात दियो लोगो, जेड़ा बंदा बंदे दा शुक्रिया अदा नहीं करदा, जेड़ा बंदा बंदे दा भला नहीं करदा, जेड़ा बंदा बंदे दी कीती होई नेकी नू याद रख के उंदा बदला नहीं चुकांदा, ओदे नाल इज्जत नाल पेश नहीं आंदा, बाद चो दी हौसला फजाई नहीं करदा। जग्गां दे पीर ने फरमाया, रब दे हबीब ने फरमाया, कायनात दे लोगो, जेड़ा बंदा बंदे दा शुक्रिया अदा नहीं करदा, इंज समझो ओ बंदा अल्लाह दा भी शुक्रिया अदा नहीं करदा। अल्लाह हु अकबर अल्लाह। पता लग्या कायनात दियो लोगो, जे तुसी बंदियां दे नाल नेकी करोगे और नेकी तो बाद अगला बंदा तुहाडे नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आएगा, इंज समझो वो बंदा तुहाडी कदर कर रहा है और तुहाडे उस नेकी दा शुक्रिया अदा कर रहा है। ते जिहड़ा बंदे दा शुक्रिया अदा करदा है, वह अल्लाह दा शुक्रिया अदा करदा है। अल्लाह हु अकबर अल्लाह। और हजरात मोहतरम, आइए गौर कीजिए, कौन कौन साढ़े ते एहसान करने वाला है, कौन कौन साढ़े नाल उसने सलूक करने वाला है, कौन कौन साडा खैर खावे। आइए पहले मैं तुहाडे सामने फरिश्त रखना चाहना, कौन कौन तेरा ते मेरा मोहसिन है, कौन कौन मेरे नाल ते तेरे नाल नेकियां करने वाला है। सब तो पहले नंबर ते मेरा ते तेरा मोहसिन अगर कोई है वे, ते अरशां दा रब्बे, अरशां दा रब मेरा ते तेरा मोहसिन। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजराते मोहतरम, रब दा एहसान की है, ओने मैनू ते तेनू जितनिया भी अपनिया मखलूकां पैदा फरमाईया अल्लाह ने, सारिया मखलूकां दे विच्चों सब तो बेहतरीन मखलूक अल्लाह ने मैनू ते तेनू पैदा फरमाया, अशरफुल मखलूकात दा दर्जा ता फरमाया। पहला एहसान अरशां वाले रब दा। हजराते मोहतरम, अगे चलिए, होर रब दा एहसान की है। ओ यार, मैं तेनू रब दे किन्ने कु एहसान गवावा, किते अल्लाह ताला ने मैनू तेनू इंसान बनाया, किते रब ताला ने मैनू तेनू बोलन वास्ते जुबान दी ताकत अता फरमाई, किते अल्लाह पाक ने मैनू तेनू अखन वास्ते दो वेखन वास्ते अल्लाह ने दो अखां दीआं नेमतां अता फरमाईआं, सुनन वास्ते कन अता फरमाए। ओए बंदिया, अल्लाह पाक
ने चलन वास्ते मैनू तेनू लत्तां ते पैर अता फरमाए, पकड़न वास्ते हथ अता फरमाए, सोचन वास्ते अल्लाह ने अकल ते दिमाग अता फरमाया। हजराते मोहतरम ये सारियां दियां सारियां नेमतां अल्लाह दियां ने। कायनात दे लोगो किते रब ने मेरे तेरे खान पीन दे समान तैयार किते, किते अल्लाह ताला ने मेरे तेरे वास्ते जानवर खुराक पैदा फरमा दिती। ओ यार किते अल्लाह पाक ने मैनू तेनू सेहत वाली दौलत नाल माला माल फरमाया। किन्नियां नेमतां अल्लाह दियां, रब्बे काबा दी कसमे इतना बड़ा मोहसिन मेरा ते तेरा, इतने सानात ने अल्लाह तेरे किन्ने कु एहसान ने तेरे बंदे पुछना चाहते ने। फरमाया मेरे बंदियां नू दस दियो, वा इन ताउदू नेमत अल्लाही ला तुहसूहा। ओए मेरे बंदे हो, तुसी मेरे एहसानात पुछना चाहते हो। अल्लाह फरमाते ने सारी दुनिया के इंसान कट्ठे हो जान, सारी दुनिया के जिन कट्ठे हो जान, सारी दुनिया के समंदरां दा पानी, दरियावां दा पानी, नदी नालियां दा पानी स्याही बन जाए, और सारी दुनिया के दरख्त कलमा बन जान। फरमाया इंसान मुक सकते ने, जिन मुक सकते ने, दरख्तां दियां कलमा मुक सकदियां ने, ओए मेरे बंदे स्याही मुक सकदी है, पर तेरे रब दे साना दी गिनती नहीं हो सकदी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हजरात मोहतरम कितना बड़ा साडा मोहसिन है अल्लाह। ओ यार असी इस मोहसिन दा कदर की कीता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कायनात दे लोगो अज क्यों नहीं असी अपने उस मोहसिन नू याद रखदे, क्यों नहीं ओदे सानात नू याद रखदे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बे काबा दी कसमे ऐ जिहड़ी मेरी तेरी बाडी है, मेरा तेरा वजूद है ना, एदे विच्चों अगर कोई एक जर्रा बराबर जिसम दा कोई एक हिस्सा भी डैमेज हो जाए, सारी कायनात मिल के उन्हों उन्नी देर तक दुरुस्त नहीं कर सकती जब तक उत्तों आर्डर ना आ जाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मैं तुहानू एक गल सुनावा। रिनाला खुर्द शहर के अंदर मेरे एक दोस्त ने, अजीज ने, शेख इरफान साहब, अल्लाहु अकबर, उन्हां दी वालदा मोहतरमा बीमार ने। दुआ करो जिन्हां दे मापे बीमार ने अल्लाह सेहत अता फरमाए, अल्लाह उम्र च बरकत अता फरमाए। हजरात मोहतरम मैनू भाई इरफान ने गल सुनाई, आंदे ने कारी साहब जी मेरी वालदा वास्ते दुआ करया करो। मैं क्या ठीक है दुआ करने आ, होया की है? आंदे ने कारी साहब जी मेरी वालदा मोहतरमा कुछ खा पी नहीं सकते। मैं क्या की होया? आंदे ने कारी साहब बाकी सब कुछ ठीक है, सारे टेस्ट क्लीयर आए ने, पर ऐ जड़ा गला है ना, गले दे विचों कोई चीज नीचे उतरदी नहीं। मां जी दुध भी नहीं पी सकते, पानी भी नहीं पी सकते। ओए बंदिया वेखना 6 फुट का वजूद है, सारा तंदुरुस्त है, हर चीज कम कर रही है, एक छोटा जा मसला बनया है गले दे विच, ते दुनिया दी कोई ताकत खुराक नीचे नहीं उतार सकी। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटलों वाले ने जवाब दे दिता है, इलाज ही नहीं हो रहा। बंदिया तवज्जो करना, कितना बड़ा मोहसिन मेरा तेरा अल्लाह जिन्हें सारिया नेमतां दित्तियां ने। और यार कदर करिया कर इस बालक दी, अपने मोहसिन की कदर करिया कर, उस रब की कदर की है ओदा जिक्र करिया कर, उस रब की कदर की है ओदियां नेकियां दा बदला किवें देना उहदे सामने सजदा करिया कर, 5 टाइम की नमाज पढ़िया कर, उस मोहसिन दी असी नेकियां दा एहसानात दा बदला किवें देना है। ओए बंदिया 24 घंटे तेरी जुबान ते रब दा जिक्र रहना चाहिए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ऐ सारी दुनिया दियां दौलतां तेनू कुछ नहीं दे सकदियां, कायनात दे लोगो जो कुछ दे रहा है अरशां दा रब दे रहा है। और अल्लाहु अकबर। अल्लाह एक मेरा दोस्त है, मेरा यार, हजरात मोहतरम उन्हूं बेचारे नूं एक अख तो नजर नहीं आंदा। मैं क्या भी अल्लाह दे बंदिया तू इलाज क्यों नहीं करवा रहा? आंदा मोहतरम कारी साहब इलाज बड़े करा लेने, बड़े बड़े
टेस्ट ते बड़े बड़े डॉक्टरों को चला गया वा पर मेरी अख दे विचों मैनू नजर नहीं आ रहा। पहले नजर आंदा सी हुन नजर नहीं आ रहा। मैं क्या अल्लाह तेरे हाल ते रहम करे। हजरत ते मोहतरम अल्लाह वाला तड़पिया ते मैनू तुहानू अल्लाह दियां नेमतां दा एहसास करन दे वास्ते तवज्जो दिला रहा है। आंदे ने कुदरत वल्लों एक अख हो जावे कानी। ओ कुदरत वल्लों एक अख हो जावे कानी। कट्ठी हो के आ जावे पीरां दी डानी। ओ दुनिया दे पीरां दा लग जावे मेला। हर गुर आ जावे ते हर गुर दा चेला। फिर जोर लगावे अकेला अकेला। कदे बन सकेगा ना एक अख दा डेला। अगर कोई नकली डेला बना भी लवेगा ओ दे विचों कुछ भी नजर नहीं पवेगा। बनावन वाला फिर भी कीमत लवेगा। बनावन वाला फिर भी कीमत लवेगा। ओ जिन्ने तेनू सब कुछ मुफ्त विच आया। ओ जिन्ने तेनू सब कुछ मुफ्त विच आया। तू एहसान ओदे दा की मुल पाया। अल्लाह अकबर लाओ बंदे हो अपने मोहसन नू याद रखो। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह ताला मेरे ते तुहाडे सब तो बड़े मोहसन ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरात मोहतरम उस तो अगे चलिए। इस तो बाद मेरा ते तेरा मोहसन कौन है। मेरा ते तेरा अल्लाह तो बाद मोहसन मेरे तेरे वालदैन ने। हजरात अल्लाह खालिक ने पैदा अल्लाह ने किया है तेरे। हजरात मोहतरम दुनिया ते आन जरिया तेरे मां बाप बनने। मां बाप भी तेरे बहुत बड़े मोहसिन ने। मां बाप तेरे बहुत बड़े मोहसन। हजरात मोहतरम हदीसे पाक याद आई। इंज करके बैतुल्ला दा तवाफ हो रहा है। बैतुल्ला दा तवाफ चल रहा है। अल्लाह करे अल्लाह तुहानू भी हाजरी नसीब कर दे। तुसी भी सारे बैतुल्ला जाओ। अल्लाह अकबर अल्लाह। दुआ हर साल है मेरी के मैं मौला दे कर जावा। कबूलियत दियां कड़ियां ने मोहब्बत नाल शौक नाल को। दुआ हर साल है मेरी के मैं मौला दे कर जावा। करे मंजूर जे अल्लाह। करे मंजूर जे अल्लाह। मैं हज काबे दा कर आवा। मेरे दिल दियां आसाने। मेरे दिल दियां आसाने। ते जम जम दियां प्यासाने। पिलावे साकी जाम उस दे। पिलावे साकी जाम उस दे। मैं पी पी के अकबर अल्लाह। बैतुल्ला दा तवाफ चल रहा है। जनाबे अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल्ला दा तवाफ कर रहे ने। एक जवान आया। एक जवान आया। जवानों गल सुनिया जे। सुनने वाली गल है। इस जवान ने इंज करके अपने कंधियां ते अपनी बुढ़ी मां नूं उठाया होया है ते अल्लाह दे घर बैतुल्ला दे चक्कर लगा रहा। तवाफ कर रहा है। नाल पढ़दा लबैक अल्लाहुम्मा लबैक। अखां विच आंसू भी जारी ने ते रब दी तोई दे तराने भी पड़ रहा। मां नूं उठाया है ते तवाफ कीती जा रहा। तवाफ करदियां करदियां हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला नूं करीब तो गुजरे। आंदा जनाबे अब्दुल्ला बिन उमर जी मैं तुहाडे कोल एक गल पुछनी चाहना। ऐ जिहड़ी मेरे कंधियां ते सवार है ना ये मैनू मेरे जम्मन वाली मेरी मां है। ये मेरी वालदा मोहतरम है। ये मेरे दुनिया ते आन दा सबब बनी है। अब्दुल्ला बिन उमर जी ए मेरी वालदा मोहतरम कमजोर है। लागर है। कुछ कर नहीं सकती। चल फिर नहीं सकती। अज अल्लाह दी तौफीक नाल सतवां हज मैं अपनी मां नूं कंधियां ते चुक के करा रहा वा।
सदवा हज यार मुकद्दरां वाले अल्लाह की कसम है, जेडे इत्थे पाकिस्तान च रह के मापियां की खिदमत करन ते जिन्नू अल्लाह बैतुल्लाह दे हज उमरे मां नाल करा देवे, बाप नाल करा देवे, फिर कंधियां ते चुग के मां नूं तवाफ करा देवे, ओदे वरगा यारो मुकद्दरां वाला कौन हो सकदा है। अल्लाहु अकबर फरमांदे ने, हुजूर किबला मैं तुहानूं पुछना चाहना, मैनूं दसो ना क्या मैं अपनी मां की जिंदगी का हक अदा कर दिता है, मेरी मां ने जड़े जड़े मेरे ते सानात कीते, क्या मैं अपनी मां दे सानात दा बदला चुका दिता है। जनाबे अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला नु फरमांदे ने, ओए जवानों गल सुनिया जे, गल सुनिया जे जवानों, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला नु दा जवाब सुनिया जे। अज दा जवान एक सूट लै दिंदा ते मां नू ते सौ सौ गल्लां करदा, अज दा जवान एक सीजन च जुत्ती लै दिंदा ते सौ सौ नखरे करदा, अज दा जवान एक बारी मां नू दवाई लै दिंदा, बाप नू दवाई लै दिंदा, फरूट महीने में एक अद्धी वारी लै दिंदा ते जनाब सारा साल लोगों नू सुनांदा फिरदा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला नू फरमांदे ने, ओए जवाना तू अपनी मां दी जिंदगी दे साना दे बदले चुकान दी गल करना, मैं अब्दुल्ला दा फतवा लिख, अब्दुल्ला दा जवाब नोट कर। जनाबे अब्दुल्ला बिन उमर फरमांदे ने, ओए जवाना हजे ते तू मां दी उस एक आ दा बदला नहीं दे सकिया जड़ी ठंडी आ तेरी मां ने तेनू जम्मन लगिया भरी सी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह, ओए जवानों मापे जिंदा ने ते खिदमत करया करो, कदर करया करो इन्हां मोहसिनां दी। ओ यार उस वक्त नूं याद करना, सख्त सर्दी दा सीजन तेरी पैदाइश हो गई है, हजराते मोहतरम मापे बैठे ने, तकरीबन सब नूं अल्लाह ने औलादां दित्तियां ने। ओ यार आंदे हो ना, पहली सर्दी बच्चे वास्ते बड़ी सख्त होंदी है, पहली गर्मी बच्चे वास्ते बड़ी सख्त होंदी है, याद कर झाती मार अपने मासी वेला, याद कर सर्दी च तेरी पैदाइश हुई, तू पेशाब कीता, तू बछौनी लपेड़ दिती है, तेरी मां ने तेरी बछौनी तब्दील कर दिती, तू फिर पेशाब कर दिता, एक पासे लटाया उधर भी पेशाब, दूजे पासे लटाया उधर भी पेशाब, हुण चुग के तेरी मां ने तेनू सीने ना ला लिया, तू सीने ते भी पेशाब कर दिता है। ओ जवाना याद कर अपने बाप दियां मेहनतां ते मजदूरियां, सर्दी धुंदा दे दिनां दे विच बठल चुक चुक के मजदूरियां कर करके तेरे बाप ने तेनू पालिया, तेनू संभालिया, अज क्यों नहीं याद रखदा अपने बाप दियां नेकियां, क्यों नहीं याद करदा अपनी मां दियां नेकियां। ओ जवानों गल सुन लो, अगर तुसी चाहते हो तुहाडी जिंदगी च सुख आराम आ जाए, इनकलाब चाहते हो ते मां बाप की खिदमत करया करो। मौलाना इकबाल कसूरी रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह कबर नूर नाल मुनव्वर फरमाए, मोहब्बत वे चाह के पढ़िया कर दे, ओए लोड तेनू बंदे अज सुख चैन दी, करिया कर खिदमत वालदैन दी। जिन्ना जिन्ना दे मापे जिंदा ने अज इथों नीयत करके जाना है, ओ यार मां बाप तो वड्डा तेरा मोहसन कौन हो सकता है, लोड़ तेनू बंदे अज सुख चैन दी, करिया कर खिदमत वालदैन दी। ओए कर वालदैन दे आराम दा ख्याल, जिन्ना तेनू पालिया मुशक्कतां दे नाल, दिता है प्यार नाल कीती है संभाल, ओए जाच तेनू दसी जिन्ना रहन सहन दी, लोड़ तेनू बंदे अज सुख चैन दी, करिया कर खिदमत वालदैन दी। सोच जदो हाथ नहीं हैलान जोगा सै, मंगन दा बल ते ना खान जोगा सै, लोड़ तेनू मां दे सहारे लैन दी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हजराते मोहतरम, अल्लाह तो बाद साडे मोहसन साडे वालदैन ने, ते वालदैन दियां नेकियां दा बदला उहनां दी खिदमत करके चुकाना है। नबी पाक ने फरमाया, कायनात दे लोगो कोई भी बंदा सारी जिंदगी भी अपने मां बाप की खिदमत करता रहे ते उहनां दे बदले नहीं चुका सकता, उहनां दियां मुहब्बतां दे बदले नहीं दे सकता। हाँ एक
मौका जरूर है जब तुसी अपने मां बाप दे साना दा बदला चुका सकते हो। अगर तुहाडे मां बाप गुलाम ने, नबी पाक ने फरमाया जिंदा बाप गुलाम या मां हुंदी गुलाम लौंडी है, नबी पाक ने फरमाया अपनी लौंडी मां नू आजाद करा देवे या अपने गुलाम बाप नू आजाद करा देवे फिर जाके कोई हक अदा हो सकता है। अदरवाइज तुसी अपने मापिया के एहसाना दा हकूक दा तुसी बदला नहीं चुका सकते। अल्लाह हू अकबर अल्लाह। कुरान कुरान फरमाया हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। कुरान कुरान फरमाया नेकी दा बदला नेकी नाल दियो ना यार। हजराते मोहतरम वालदैन तो बाद मेरे तेरे मोहसिन ने मेरे तेरे असातज़ाए किराम जिन्ना मेरे तेरे ते शफ़क़तां कीतियां मुहब्बतां कीतियां। और यार बच्चा जड़ा है माँ बाप बच्चे दे दुनिया ते आन दे सबब बनते ने। बच्चा आया दुनिया ते आ गया उन जमीन ते टुरदा फिरदा पिया। अल्लाह की कसमें उस्तादां दियां मेहनतां उस्तादां दियां कोशिशां उस्तादां दियां दुआवां दे नाल ए बच्चा जड़ा जमीन ते आया सी अल्लाह ताला उस्तादां दी मेहनत दी बरकत नाल इहनू अल्लाह ने पाग ला दिते इज्जतां दे दित्तियां। हजराते मोहतरम हुण कुछ बन गया है किन्ना बन गया। फरमाया मां बाप तेरे दुनिया ते जमीन ते आन दी वजह बने। उस्ताद तेनू जमीन तो चुक के आसमाना ते पहुंचा देंदा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। ओ यार जितनी भी इज्जत मिलती है माशरे अंदर उस्ताद दा किरदार है। अपने असातज़ाए किराम नू याद रखिया करो उन्हां नू तोहफे तोहफ़ दिया करो अपनियां दुआवां विच याद रखिया करो। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह अज सुबह ही मैं एक किताब विच पढ़ रहा सा। इमाम साहब फरमाते ने कायनात दे लोगो मैं अपनी जिंदगी दे दौरान कदे तहज्जुद नहीं छड्डी ते जदों भी मैं तहज्जुद पढ़ी है मैं कदे भी दुआ नहीं छड़ी ते जदों भी दुआ कीती है अपनी हर दुआ दे विच मैं अपने उस्तादां वास्ते भी जरूर दुआ कीती है। उस्तादां नू याद रखिया करो अपनियां दुआवां दे विच। उस्ताद पावे कोई भी होवे होंदा अज़मत वाला। उस्ताद पावे कोई भी होवे होंदा अज़मत वाला। उस्ताद मां प्यो दी जान होंदन उस्ताद मां प्यो दी जान होंदन इन्ना दा रुतबा आला। उस्ताद दी जिस कदर ना कीती उस्ताद दी जिस कदर ना कीती फैज कदी ना पाया। उस्ताद दी जिस कदर ना कीती फैज कदी ना पाया। उस्ताद बिना बंदा पढ़ नहीं सकदा उस्ताद बिना बंदा पढ़ नहीं सकदा। बुजुर्गां ने फरमाया ए बच्चे बाग दे फुल होंदे ने ए बच्चे बाग दे फुल होंदे ने उस्ताद ना दा माली। ए बच्चे बाग दे फुल होंदे ने उस्ताद ना दा माली। ए ना होवन ते ना होवे ए ना होवन ते ना होवे गुलशन विच हरियाली। अल्लाह अकबर। फरमाया अपने असातज़ा दी कदर करो उन्हां दे नाल नेकी करो उन्हां दे उसने सलूक नू याद रखिया करो। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजराते मोहतरम असातज़ाए किराम भी साढ़े मोहसिन ने असातज़ा दे नाल भी कीती नेकी जरूर करिया करो। उन्होंने तुहाडे ते नेकी कीती तुहानू पढ़ाया लिखाया अगर अल्लाह इज्जत दे देवे मुकाम मिल जाए असातज़ा दा अदब करिया करो इतराम करिया करो। हजराते मोहतरम इस तो अगे चलीए मेरे तेरे मोहसिन कौन ने। और यार मेरे तेरे नाल नेकियां करने वाला कौन है मेरी तेरी बीवी। हजराते मोहतरम बीवी भी जड़ी है ना ये भी अपने बंदे दी मोहसिन होया कर दिए बड़िया नेकियां कर दिए बड़ा ख्याल रख दिए। हजराते मोहतरम हुण तुसी कहोगे लो जी मौलवी जी हुण बीवी नाल असी नेकी करिए साढ़े
माशरे दे अंदर रिवाज बन चुका है, जेड़ा बंदा अपनी बीवी की गल सुनदा, बीवी की गल सुनदा, बीवी दे कम करदा, मेरा तेरा माशरा जी नहीं दिंदा। असी आने वेखो रन मरीद जा रहा है, असी आने वेखो बुढ़ी दे पिछे लगा होया, असी आने वेखो अपनी मर्जी का फैसला भी नहीं कर सकता, गौरमेंट दी चलदी है। ओ यार नहीं नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस नबी दा तू ते मैं कलमा पढ़िया, रब्बे काबा दी कसमे, उस नबी दी सुन्नत वेखोगी, उस नबी ने अपनी मौसम नू कितने अच्छे लफ्जां नाल याद रखे है, अल्लाहु अकबर अल्लाह। वैसे भी नबी पाक दा फरमान है, आका फरमांदे ने खैरुकुम खैरुकुम लिअहली वाना खैरुकुम लिअहली। आका फरमांदे ने कायनात दे लोगो तुहाडे विचो सब तो बेहतरीन बंदा ओए जेड़ा अपने घर वाले नाल उसने सलूक करदा है। ते अगला जुमला की है, फरमाया तुहाडे सारियां विचों आपदी उम्मत विचों सब तो पहले नंबर ते मैं आ जेड़ा अपनी बीवियां नाल उसने सलूक करना। और जदों तू किसे नूं रन मरीद दा ताना मारना ना, ये तेरा ताना ओनू नहीं, डायरेक्ट नबी पाक तक जाता है। तौबा कर अल्लाह को, मत तू जाड़िया कर किसी के घर, रब्बे काबा की कसमे बीवियां नाल उसने सलूक नबी पाक की सुन्नत है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना घर आते, दुश्मनों ने आपनों लहू लुहान किया हों, जख्मी किया हों, बड़ा मारिया कुटिया हों, बहुत ज्यादा तकलीफा अजीता नाल दो चार किया हों। आका घर आते ते सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा मेरे पैगंबर नाल मुहब्बत दे हक अदा कर दिया, अल्लाह दी कसमें मेरे पैगंबर नाल इन्निया वफावा अम्मी खदीजा दिया। अक्सर नबी पाक बैठिया बैठिया गल कर दे, हाए खदीजा हाए मेरी खदीजा, मेरे पैगंबर दियाँ अखा डुल पैंदियाँ आंसू आ जाया कर दे, मेरे पैगंबर रोन लग पैंदे। सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन फरमांदियां ने, हुजूर मैं तुहाड़ी बीवी है शकवारियां, खदीजा ते बेवा औरत सी, मुतलका औरत सी, बूढ़ी औरत सी, हुजूर तुसी खदीजा नू बड़ा याद कर दे, जे की गल है मैनू तुसी याद ही नहीं रख दे। हुजूर बाकी भी ते बीवियां ने ना किसी और दा तस्करा नहीं जे कर दे। आका फरमांदे ने वेखो नबी पाक ने अपनी मोहसिन बीवी दे एहसाना दा बदला किवें चुकाया। आका फरमांदे ने कायनात दे लोगो आमानत भी इस काफारा भी अन्नासु। आका फरमांदे ने लोगो खदीजा मेरे ते ओदो ईमान लैके आई सी जो सारी दुनिया ने मैनू चुठला दिता सी। खदीजा ने उदों मेरे ते ईमान लियांदा जदों कोई मेरे ते ईमान लियान वाला नहीं सी। वा सद्दा कदनी इज कज़्ज़बानी अन्नासु। आका फरमांदे ने जदों लोकां ने मेरी तकजीब की, लोग आंदे ए नबी नहीं, अस्तगफिरुल्लाह झूठा नबी दे, इस तरह के दावे कर दे, माशरे च गल फैलांदे। आका फरमांदे ने सब तो पहले नंबर ते जिन्हें मेरी तस्दीक नबी होने की कीती सी वह खदीजा सी। अल्लाहु अकबर अल्लाह। फिर नबी पाक ने फरमाया वावासतनी बिमालिहा इज हरामनी अन्नासु। आका फरमांदे ने जदों लोगों ने मेरे नाल माल दे लैन देन तजारत दे कारोबार बंद कर दिते, आका फरमांदे ने लोगों ने मेरे नाल लैन देन बंद कर दिता, तजारत बंद कर दिती, लोगों ने माल रोक लिया, तो खदीजा ने मैनू माल वादू कर दिता सी। मैनू खदीजा याद क्यों ना आए। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरात मोहतरम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बीवी खदीजा रजी अल्लाह तआला नूं क्यों याद करते, उहदे एहसानात दी वजह तो, उहदियां नेकियां दी वजह तो। हजरात मोहतरम अगे चलीए, हजरात तवज्जो कीजिए, हुण जिहड़ा जनाब साडे नाल छोटी जिही भी नेकी करे, छोटी जिही भी नेकी, उहदे नाल भी सानूं नेकी करनी चाहीदी है, उहदे एहसानात
ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਸਹੀਹੁਲ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸਹੀਹੁਲ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪਣੇ ਸਿਆਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਥੀਓ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੜਾਓ ਕੀਤਾ, ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਆ ਗਈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੀ ਸੋ ਗਏ, ਸਿਹਾਬਾ ਵੀ ਸੋ ਗਏ, ਹਜ਼ਰਾਤੇ ਮੁਹਤਰਮ ਸੁਬਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਤੁਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਸਿਹਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਜਨਾਬੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਅਚਾਨਕ ਉੱਠੇ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪਈਆਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਠੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਵੀ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਸਿਹਾਬਾ ਉੱਠਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਕਾ ਦੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਖਲਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹਜ਼ਰਾਤੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਖੈਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਕਾ ਬੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਵੇਖਿਆ ਸੂਰਜ ਧਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਥੀਓ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਲਦੀ ਨਿਕਲੋ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਢੇਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਓ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਰਾਤੇ ਮੁਹਤਰਮ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਸਿਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਾਬੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਇੰਜ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ? ਇਹ ਸਿਹਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗੁਸਲ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੁੰਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਿਹਾਬੀ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਕਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੋ ਸਿਹਾਬੀ ਹੋਰ ਨਾਲ ਭੇਜੇ, ਜਾਓ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਾਤ ਮੁਖਤਸਰ, ਹਦੀਸ ਤਵੀਲ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਿਹਾਬੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਇਹ ਸਵਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰੇ ਨੇ। ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਰੋਕੀ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀਏ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 24 ਘੰਟੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਹਜ਼ਰਾਤੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੇਖੋ ਕੈਸੇ ਲਮਹਾਤ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਖੈਰ ਸਿਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਖੈਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਨੇ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਪੀਤਾ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਾਬੀ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਸਿਹਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਰੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰੱਜ ਗਏ, ਉਸ ਸਿਹਾਬੀ ਨੇ ਨਹਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਮੌਜੂਜ਼ਾ। ਹਜ਼ਰਾਤ, ਖੈਰ ਇਸ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਥੀਓ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਤੂ ਕਿਤੇ ਖਜੂਰਾਂ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਨੀਰ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੀਰਾ ਲਗਾਓ, ਗੀਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾ। ਅਲੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਲੀ ਇਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਵਾਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦਿਓ ਲੋਗੋ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਸਿਹਾਬਾ ਨੂੰ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਇਨਾਤ ਦਿਓ ਲੋਗੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ
ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਹਾਬਾ ਸਫਰ ਤੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਫਰ ਤੇ ਨੇ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਦੇ ਰਾਹ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ उस बीबी दे साना दा बदला याद रखिया अज असी ओ जनाब नबी पाक ने एक घुट पानी पिलान वाली बीबी दे नाल कितना अच्छा बर्ताव कीता असी मापिया नाल किवें दा सलूक कर रहे हैं असी उस्तादा नाल किवें दा सलूक कर रहे हैं असी अपने खालिक ओ मालिक नाल किवें दा सलूक कर रहे हैं हजराते मोहतरम इत्थे ही बस नहीं सियाबा फरमांदे ने एक जंग दा मौका आया सानू नबी पाक ने जंग ते भेजिया असी जंग करन गए उस इलाके दे विच इस औरत जिन्हें फलां मौके ते सानू पानी पिलाया सी इनू कुछ नहीं कहना और इहदे कबीले नू कुछ नहीं कहना हजरात कबीला भी छड़ दिता इस बुढ़िया नू भी छड़ दिता ए अल्लाह दी बंदी जिहड़ी है ना अपने कबीले वाले नू मुखातब करके आंदी है मेरे कबीले वाले ओ वेखो ना कितने एहसान पसंद ने मैं इन्हां नाल एडी गुने की कीती इन्हां मेरी नेकी दा बदला ते उदों ही चुका दिता सी उदों भी बहुत अजीम बदला चुकाया अज इन्हां ने ओह नेकी दोबारा याद रख के मैनू भी छड़ दिता है ते तुहानू भी छड़ दिता है आंदी है अल्लाह दे बंदे हो क्यों ना होए जिंदा नबी दा कलमा ना पढ़िया मैं ते तुसी भी पढ़ लईए उस बीबी ने कलमा पढ़िया दियो दे कलमा पढ़न दी वजह तो सारा कबीला कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है ते नेकी किन्नी कु है एवें चंद घुट पानी ते पानी सियाबा ने कटिया भी नहीं ते जनाब एडी गठड़ी चुक के नबी पाक ने राशन दी भी देती है बदला चुका दिता सी सियाबा ने याद रखिया उस नेकी नू अज उन्हूं माफ कीता उहदे कबीले नू माफ कीता अल्लाह ताला ने उन्हां दे दिलां विच एहसान दी वजह तो मुहब्बत पाई ते सारा कबीला मुसलमान हो गया है अल्लाह करे असी भी इस तरह अपने मुहसिनीन नू याद रखिए जिन्हां तेरे नाल नेकी कीती है उहदे नाल नेकी करिया कर जिहड़ा तेरे नाल हुसने सलूक करे उहदे नाल हुसने सलूक करिया कर ताजर भाई बैठे हो दुकानदार हज़रात ना नबी पाक दे अगे भी हदीस सुन लो जगां दे पीर रब दे हबीब सारी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इब्ने माजा दी हदीस है नबी पाक गज़वा हुनैन दा मौका है अल्लाह दे प्यारे पैगंबर नू पैसियां दी लोड़ पै गई नबी पाक ने एक सहाबी अब्दुल्ला बिन अबी रबीआ मखज़ूमी इस सहाबी कोलो नबी पाक ने 40,000 दिरहम कर्जा लिया 40,000 दिरहम कर्जा लिया हजरात वक्त तय हो गया आका फरमांदे ने अल्लाह दे बंदिया इन्ने अरसे वास्ते जरूरत है इन्नी मुद्दत दा वादा कर रहा इन्नी मुद्दत तो बाद चुका दियांगा हजराते मोहतरम मुद्दत दे मुकर्रा आई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अपने सहाबी दा 40,000 दिरहम पूरे दा पूरा कर्जा चुका दिता है ते कर्जा ही चुकाया नहीं नाल नबी पाक ने दुआवां दित्तियां आका फरमांदे ने बारकल्लाहु लका फी अहलिका व मालिका हबीबा बाद दे ताजरो मेरे बल्ले वेखिया जे एक मिनट जरा अज तुसी किसे बंदे कोलो कर्जा ले लवो और यार एक हफ्ते दा वादा 10 दिन दा वादा 15 दिन दा वादा कोई गल नहीं इंसान जरूरत पै जांदी है हजरात 15 दिन दा वादा होया एक दिन दो दिन लेट होगा तुसी कर्जा नहीं दिता और बंदे ने फोन किया तुहानू या दुकान ते चल के आ गया है वह आंदा अल्लाह दे बंदिया मैं आना ते नहीं सी यार पर मैनू जरूरत पै गई है दे मेरा कर्जा वापस मुद्दत भी गुजर गई है अगो साडा की तर्जे अमल हुंदा है और यार वहां छड चले आ मार्केट छड चले आ और यार कितने लगे जाने आ मरते नहीं गए तेरे पैसे खाते नहीं जाते और नहीं मेरे भाई नहीं नबी पाक दी सुन्नत मुबारक की है पहले नंबर ते वादे दे मुताबक वादे ते लुटाओ हाँ देर हो गई है ते यार अगले दिन मिंतरला कर लो ते नार जदों वापस चुकाना है अगले बंदे नु दुआ दिया कर जिवें नबी पाक ने दुआ दिती फरमाया बारक अल्लाह लका फी अहलिका व मालिका आका फरमांदे ने अल्लाह दे बंदे तू मेरे नाल नेकी कीती है मैं तेनू दुआ दे रहा दुआ की है फरमाया अल्लाह तेरे रिजक विच भी बरकत करे तेरे घर विच भी बरकत करे
ਅਸੀਂ 100-100 ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਅੱਗੋਂ, ਤੇ ਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਹੈ। ਵਕਤ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਕਤ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਉਹ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਚੰਨ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਨਾ ਐਡੇ ਕੁ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਿਹਾਬੀ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਜ਼ਾਏ ਹਾਜਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਨਾਬੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਲੋਟਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪੈਣਾ, ਲੋਟਾ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪੈਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਜ਼ਾਏ ਹਾਜਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ, ਆਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਲੋਟਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਛਾ ਆਏ। ਆਕਾ ਕਜ਼ਾਏ ਹਾਜਤ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਵਜ਼ੂ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਤੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਐ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਐ ਮੇਰਾ ਸਿਹਾਬੀ, ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਹਾਬੀ, ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਅੱਛੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੇਕੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਅਲਿਮਹੁ ਤਾਵੀਲ ਫਫੱਕਿਹੁ ਫਿਦ-ਦੀਨ, ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਯਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬੀ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਫਾਹਮ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ, ਦੀਨ ਦਾ ਆਲਮ ਬਣਾ ਦੇ। ਉਠਾਓ ਸਹੀ ਉਲ ਬੁਖਾਰੀ ਔਰ ਪੁੱਛੋ ਉਲਮਾਏ ਕਿਰਾਮ ਨੂੰ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਦੁਆ, ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ? ਉਹਨਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾ ਕੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੁਆ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੋਰ ਬਦਲਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਦੁਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ, ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਮੁਹਸਿਨੀਨ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਦੁਆ ਹੈ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਏ। ਵਾਖਿਰੁ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹਿ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਅੱਗੇ ਨਾ 5 ਦਸੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, 5 ਦਸੰਬਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਈਸਾਈ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਮੁਬਾਰਕ ਡੇ, ਸਾਈਓ ਕੋ ਮੁਬਾਰਕ, ਕਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਯਾਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਨੇ? ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅੱਲਾ ਅਸਤਗਫਿਰ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਨਾਬੇ ਈਸਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ, ਜਦਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਲ ਹੁਵੱਲਾਹੁ ਅਹਦ ਅੱਲਾਹੁ ਸਮਦ ਲਮ ਯਲਿਦ ਵਲਮ ਯੂਲਦ, ਨਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਤੋਹੀਦ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਸੱਵਰ ਔਰ ਅਕੀਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਫੀਕ